तरह से ये रैली अपने आप पर रिकॉर्ड कायम करने वाली है। मुझे लगता है कि जितने भी रिकॉर्ड बुक होती हैं शायद उन रिकॉर्ड बुक्स में इस रैली की जिक्र होगा, ये रैली के रिकॉर्ड चढ़ेंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जींद रैली में आज ये कहावत चरितार्थ हो गई। धरे रह गए सारे दावे और निकल गई भाजपा की हवा। जी हाँ, ये तस्वीरें भाजपा की उसी जींद रैली की है जिस रैली को भाजपा ने युवा हुंकार रैली का नाम दिया था। इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने शाम दाम दंड भेद यहाँ तक की अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर विडंबना देखिए, फिर भी शाह के इस रैली में हरियाणा की भाजपा सरकार भीड़ नहीं जुटा पाई, लिहाजा रैली हजारों की तादाद में कुर्सियां धूल फांकती दिखाई दी। रैली स्थल पर तकरीबन 30,000 कुर्सियां लगाई गई थी और रैली में 2,00,000 के करीब भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन भाजपा अपनी इस रैली में 1/4 भीड़ भी नहीं जुटा पाई। खाली पड़ी कुर्सियां और रैली में पहुंची भीड़ को देख कयास लगाया जा रहा है कि रैली में महज 10,000 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। हमारी जो मोटरसाइकिल रैली, अब तक मोटरसाइकिल इस प्रकार की रैली इस संख्या में हुई नहीं है, इसलिए 15 फरवरी को एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली पूरे हरियाणा प्रदेश की जींद में रखी जा रही है। हमने एक संकल्प लिया है कि हर बूथ से कम 5 मोटरसाइकिल आएं। इस प्रकार इस रैली की संख्या उसी हिसाब से इसका लक्ष्य तय किया है, हमने 1,00,000 संख्या का टारगेट रखा है। शाह की ये रैली रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी और हरियाणा में इतिहास रचेगा, ऐसा भाजपा नेताओं ने दावा ठोका था। हालांकि रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए खट्टर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकार ने प्रदेश के कोने कोने से भाजपा के छोटे छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता और नेताओं की ड्यूटी लगा दी थी, मगर फिर भी भाजपा की जींद रैली फ्लॉप हो गई। शाह की जींद रैली को शाही बनाने के लिए युवाओं को लालच दिया गया, उन्हें बरगलाने की भी पूरी कोशिश की गई। जी हां, करनाल के युवाओं का आरोप है कि उन्हें फ्री में 2-2 हेलमेट जैकेट देने का वायदा किया गया, मोटरसाइकिल की टंकी पेट्रोल से फुल करने का लालच भी दिया गया, मगर इसके बावजूद भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। ये हेलमेट सुरक्षा करेगा, ये तो सर में दर्द कर रहा है, कहां से सुरक्षा करेगा ये? क्या कह के बुलाया गया था? क्या बुलाया गया? टंकी फुल करके देंगे, दो हेलमेट बढ़िया वाले, दो जैकेट, बढ़िया जैकेट कहेंगे, आगे तिरपाल का दे दिया जी, और हेलमेट के नाम पे दे दीजिए ना। कैसे हो गया? ना कोई तेल मंगवा रहे हैं जी, ना कुछ, वैसे या फ्री में कौन जाएगा जी? आज ये वो युवा हैं जो भाजपा द्वारा दिए गए लालच के जाल में फंसकर करनाल में सीएम खट्टर के काफिले में शामिल होने आए थे, लेकिन इनके साथ धोखा कर दिया गया। ये हम नहीं बल्कि ये युवा ही कह रहे हैं, न इन्हें अच्छा हेलमेट मिला, न जैकेट, और न ही इनकी मोटरसाइकिलों की टंकी पेट्रोल से फुल की गई। खुद के साथ हुए इस फरेब को देख युवा भड़क उठे और मीडिया के सामने आकर भाजपा की पोल खोलकर रख दी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता भाजपा से रूठ चुकी है? क्या जनता हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में सामने आ ही जाएगा।